नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम शिवपुर पंचायत में हैं और ये बिहिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहां से हम आपको बता दें कि प्रत्याशी के रूप में भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में हैं हमारे साथ रितु कुमारी राम। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये चुनाव लड़ रही हैं, इनका मुद्दा क्या है। जी स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रितु कुमारी राम शिवपुर पंचायत ग्राम बीरपुर बिहिया ब्लॉक से मुखिया पद की उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से सभी बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, विद्यार्थी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि गांव की सभ्यता देश की पहचान है। अगर गांव विकसित हो तभी शहर विकसित होंगे और फिर देश के विकास होगा। से आप चूँकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तमाम चीज़ों को आपने जो मैसेज दिया तो कहीं ना कहीं झलकता है कि मुझे विकास करना है। ये आपका जो पंचायत है कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, जो इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हो, यहाँ की आम जनता का कहना है कि कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे वो सड़क की बात कर दी जाए या नली गली की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं। यदि आप यहाँ मुखिया बनती है तो इन समस्याओं से आप निजात दिलाएंगी पंचायत में? जी ज़रूर दिलाएंगे। यहाँ विकास करेंगे? ये जो भी सड़कें बाधित है या नली गली जो बाधित है, बिजली पानी जैसे कि आपने बताया, सबको आप सुचारू तरीके से आप चलाने का प्रयास करेंगे? जी। और आप महिला हैं, महिलाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? यदि आपको यहाँ की महिला मुखिया बनाती है तो आप महिलाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? हम भी एक महिला हैं और मेरे घर में सभी लोग जॉब करते हैं, हमको यहाँ पर रहना है तो ज़्यादातर हम महिलाओं के साथ ही काम करना चाहेंगे। उनके शिक्षा स्तर को भी आप उसके लिए अलग से आप व्यवस्था कराएंगे? जी ज़रूर कराएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे बीच हैं शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं, हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कर्मठता दिख रहा है, लगनशीलता दिख रहा है। इनका कहना है कि किसी भी तरह की जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं, जो समस्या पहले से लोगों ने क्रिएट किया है, उन तमाम समस्याओं को समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। चाहे वो बिजली की बात कर ली जाए या फिर नल जल की बात कर ली जाए या फिर सड़क की बात कर ली जाए या फिर और भी जितने भी एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए जो भी एक सिस्टम होता है सरकार का और एक मुखिया के अंदर जो भी आता है, तमाम चीज़ों को, तमाम परेशानियों को सॉल्व करने का हम काम करेंगे। ऐसे पहले भी आप लोग का बहुत अच्छा इतिहास रहा है, चूँकि जैसे कि आपके पति से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम लोग जब जनप्रतिनिधि नहीं थे उस समय भी हमारे पिताजी के माध्यम से किसी तरह का फंड लाकर इस पंचायत को डेवलप किया गया। तो आपसे लोगों की काफ़ी उम्मीद है और यहाँ के पंचायत के लोगों को भी काफ़ी उम्मीद है, तो हमें क्या लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि नवरात्र का समय है और तमाम पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मोती का माला। तो यहाँ के जनता से आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? हम यहाँ की जनता से यही कहेंगे कि एक बार हमको मौका देकर देखिए, विकास तो हम जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर गांव का स्थिति बहुत ख़राब है। यानी कि पंचायत को आप आदर्श पंचायत बनाएंगे? जी सर। डिजिटल इंडिया जा रहा है तो क्या पंचायत को डिजिटल भी बनाना चाहेंगे आप? जरूर बनाना चाहेंगे अगर सरकार सुविधा देते। सरकार से लड़ना होगा अपने पंचायत के लिए आपको? ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। आपने पंचायत के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं? चूँकि पंचायत है और ये पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़ सरकार तक तो आपको उठानी होगी, क्योंकि आपको नेता इसीलिए बना रही है यहाँ की जनता, क्योंकि जनता है और जनता तो आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है, तो कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को आपको सरकार तक रखना होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम जनता की मांग को पूरा करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह आप देख रहे हैं नव निर्वाचित के रूप में इन्होंने अपने आप को एक नए प्रत्याशी के रूप में, मुखिया के रूप में इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, नॉमिनेशन किया है, मोतियों का माला इनका चुनाव चिन्ह मिला है। इनका कहना है कि तमाम परेशानियों को सरकार तक लाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं समस्याएँ तो बहुत सारी है लेकिन पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम समस्याओं को हम देखेंगे, समझेंगे और सरकार तक, आम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंकुर के। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आरा, जी हाँ, अपनी छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वेडिंग, निकाह, तिलक, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, एनी टाइप्स ऑफ योर मेमोरेबल इवेंट्स के लिए एक बार जरूर पधारे द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। We are inviting our Indian soldier,
विथ ऑल फैमिली एंड ऑफर 20% डिस्काउंट। छोटी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए आप एक बार जरूर पधारे द रॉयल हेरिटेज आरा का गौरव। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट रेस्टोरेंट बकरियाबर चौकीपुर आरा नियर आर के अकाडमी स्कूल। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 6299042076 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8207435888। थैंक यू। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।